महाराष्ट्र से? अच्छा, तो आप जो है, आपको यहाँ के बारे में किसने बताया, मंदिर के बारे में? ये पहली बार आए हो आप? पहली बार आए हो? आप देख के रुके हो मंदिर को, या फिर आपको पता था थोड़ा पहले यहाँ के बारे में थोड़ा? आज का व्लॉग होने वाला है भूपतवाला में, बहुत सारे आश्रम है, बहुत सारे मंदिर हैं, तो उनमें से एक मंदिर प्रभु श्री राम जी का एक बहुत अच्छा विशाल मंदिर है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो मंदिर। अभी मंदिर की ओर चलते हैं और देखिए एक बार मैं यहीं से दिखाता हूँ आपको व्यू मंदिर का। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, देखिए मंदिर का ये मेन गेट है यहाँ से। तो गाइस ये है मेन एंट्री और अभी चलते हैं सीधा अंदर। जय सिया राम, जय सिया राम। देखो इधर भोलेनाथ जी का मंदिर है, ये चलेंगे मंदिर के अंदर और आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन कराएंगे। ठीक है, तो अभी पहले महादेव जी के दर्शन करा देते हैं आपको। जय सिया राम, हर हर महादेव। भाई कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना मेरे महादेव जी के लिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। तो गाइस महादेव जी के दर्शन कर ही लिए हैं आपने। ये मंदिर के लेफ्ट साइड का व्यू है, देखिए श्री राम जी के दर्शन कराते हैं आपको। कितना अच्छा व्यू है, कितने बड़े बड़े गेट है, देखिए। जय सिया राम। वाओ कितना अच्छा लग रहा है भाई। यह है प्रभु श्री राम, सीताराम, लक्ष्मण भगवान और हनुमान भगवान जी, देखिए। ये राधे कृष्ण जी हैं, इतने सुंदर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। गणेश भगवान जी के लिए ओम श्री गणेशाय जरूर लिखते भाई। जय माँ शेरावाली माँ, एक कमेंट में जो है जय माता दी जरूर लिखें। जय माँ शेरावाली। संकट मोचन हनुमान भगवान जी की जय हो। कमेंट में जयकारा जरूर लगाएं हनुमान जी के नाम पर। जय श्री राम जी। दीवारों में जो है ना, देखो टाइल देख रहे हो आप,
ये देखो सब में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पढ़ सकते हैं आप। यहाँ के पंडित जी हैं, पंडित जी का जो है नेचर बहुत अच्छा है भाई। अभी मेरी बात हुई है पंडित जी से, पंडित जी से पूछेंगे भाई कि ये जो दीवारों पे जो लिखी हुई है ये क्या चीज़ है, रामायण है या फिर क्या है ये, ठीक है? तो अभी पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, जो ये दीवारों पे जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये दीवारों पे लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस, सप्तम सोपान होता है, सातों सोपान का अवलोकन कराया गया है, दर्शन कराया गया है, जो कंप्यूटराइज अंकन हुआ है सभी भक्तों को दर्शन करने के लिए, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, समय नहीं है, उनको दर्शन करके इसका लाभ प्राप्त करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखना भाई। आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम। कहाँ से आए हो आप वैसे? हैं जी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जो है, आपको यहाँ के बारे में किसने बताया मंदिर के बारे में? ये पहली बार आए हो आप? पहली बार आए हो आप? देख के रुके हो मंदिर को या फिर आपको पता था थोड़ा पहले यहाँ के बारे में? थोड़ा नहीं नहीं पहले से पता। अच्छा, हरिद्वार में आप पहली बार ही आए हो? हरिद्वार में पहली बार ही आए हो? अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। जय श्री राम सभी को।